हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर गाइस। सो हेलो, वीडियो का टाइटल थंबनेल में तो आप लोग देख लिए कि आज के ट्यूटोरियल कौन से कंटेंट को बनवा ले। जी हां दोस्तों, आज का कंटेंट बहुत ही ज्यादा खास है और आप लोगों की डिमांड पर ही मैं बना रहा हूं। मेरे दोस्त, कुछ दिन पहले मैंने इस वाले ट्यूटोरियल को लाया था जहां पर लिखा था योर चैनल हैज लॉस्ट एक्सेस टू एडवांस फीचर्स 2023 प्रॉब्लम, 2 मिनट में प्रॉब्लम खत्म। गाइस, वहां पर मैंने ये बताया था कि 2023 का प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे कि यूट्यूब अपना टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्मेलिटी सारा कुछ जो है अपडेट करता ही रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है हर वक्त ही रहेगा। यूट्यूब जितने दिन रहेगा उतने दिन ही ये प्रॉब्लम रहेगा, किसी के ना किसी के साथ होएगा और आप लोगों को उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग आप लोगों को बता दूंगा। और आज के ट्यूटोरियल सेम होने वाला है, पार्ट टू होने वाला है। पार्ट टू क्या है, आप लोगों के डिमांड पे ही है। योर चैनल हैज लॉस्ट एक्सेस टू एडवांस फीचर्स Q&A डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी एडवांस फीचर्स अगर लॉस्ट हो जाए तो गाइस क्या हो सकता है, अगर आप वेरीफाई नहीं कर सकते। सारे सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बोल दिया, फिर भी मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग ट्यूटोरियल बनाया जाए, क्योंकि सारे सवाल का जवाब अगर एक ही बंदे को मिल जाता है, यानी आप सभी में से जो लोगों को अपने YouTube के एडवांस फीचर्स लॉस्ट हो गए हैं उन लोगों को मिल जाता है, तो आप लोगों को वेरिफिकेशन करने में बहुत ही ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है और ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आपसे फिर से बहुत से स्वागत करता हूं आपका हमारा अपना चल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो मेरे भाई लोग, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूं, इसके पहले जो ये वाले वीडियो मैंने छोड़े थे, तो मेरे भाई लोग बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वाले वीडियो को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस छोटे से चैनल में वायरल कर दिए, तो इसके लिए भाई आप लोगों को तहे दिल से थैंक्स। आप लोगों को मैं आगे बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पसंद पर लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं सारे कमेंट्स तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो टॉप कमेंट्स है जो आप लोगों को जानना चाहिए तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड के तहत आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहला कमेंट्स आता है, देखिए, सर जी मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक कुछ दिन पहले आया था, फिर जीमेल पर एक मैसेज आया योर चैनल हैज लॉस्ट एक्सेस टू एडवांस फीचर्स, आया क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। ये नॉर्मल सा सवाल है, मैंने वीडियो में दे दिया, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, आप लोग जाके वीडियो को इधर स्किप करके देखिए। आपका चैनल में आपका वीडियो होगा तो आप फेस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, अगर आपका वीडियो थोड़ा बहुत है तो आप आईडी वेरिफिकेशन करवा लीजिए, यानी आधार पैन कुछ भी से। ठीक है, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, प्लीज सर जी हेल्प मी, ऑलवेज ब्रो, मैंने आपको कमेंट्स में भी कह दिया। ठीक है, ब्रो एडवांस फीचर्स अनेबल हो गया पर व्यूज 0 पर अटका हुआ है और वीडियो वायरल नहीं जा रहा, YT चैनल सस्पेंड कर दिया क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका चैनल शो हो रहा है, आपके चैनल में वीडियो अपलोड हो रहा है, एडवांस फीचर सक्सेसफुली हो चुका है, तो बेसिकली आपका चैनल जो है कोई भी सस्पेंड नहीं हुआ है, अगर आप लोग कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिले तो। ठीक है, क्योंकि गाइस देखो, एडवांस फीचर लॉस्ट नए चैनल को ज्यादातर होता है, अगर ओल्ड चैनल को हो जाता है तो अलग बात है, अगर किसी भी चैनल पे एडवांस फीचर्स लॉस हो जाता है, यानी कस्टम थंबनेल या कमेंट्री टैब के आपके वीडियो का लिंक शेयर नहीं कर सकते, तो भाई जिस दिन से ये प्रॉब्लम शुरू होता है उस दिन से सक्सेसफुल होने तक आप लोगों का कुछ टाइम लगता है, जैसे कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या कुछ दिन बाद आप करते हो, ये आपके अकॉर्डिंग होगा, तो आप वीडियो डाल नहीं पाते हो, तो आपके सब्सक्राइबर जो है आपको सही से फर्क नहीं पाते, क्योंकि आपका चैनल वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ दिन बाद जब आप वीडियो डालना रेगुलरली चालू कर दोगे तब आपका सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आपके चैनल में विजिट करना चालू कर देगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। भाई एडवांस फीचर अनेबल तो है लेकिन 0 पर ही अटका है, प्लीज रिप्ले, तो भाई रिप्ले कर दिया, तो यही इसका सवाल है। ठीक है सर, यही हो गया तो मैंने कह दिया कि वीडियो को विदाउट स्किप करके देखो तो समझ जाएगा, तो भाई ये जो काम का चीज है ना, आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप मत करना भाई, विदाउट स्किप करके देखना, आप लोगों का ही भलाई है। ठीक है, तो हेलो भाई, मेरे एडवांस फीचर लॉस्ट हो गया और मैं जब अनलॉक करने की कोशिश की तब वो अनसक्सेसफुल हो गया, प्लीज हेल्प मी। तो मैंने कहा कि आपने किस तरीके से कोशिश की, उन्होंने कहा वीडियो वेरिफिकेशन के तहत, तो भाई देखो, अगर अनसक्सेसफुल हो गया वीडियो वेरिफिकेशन के तहत, अगर आपके चैनल में आप अपना फेस विदाउट फेस दिखाए या किसी और का फेस दिखाए वीडियो बनाते हो, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि आप वीडियो वेरिफिकेशन करते हो तो आपके एडवांस फीचर्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आपके अनसक्सेसफुल दिखाएगा, क्योंकि दूसरे का फेस है या फेस ही नहीं है, तो आपको कुछ दिन वीडियो डालना है, उसके बाद गाइस आपको फेस वेरिफिकेशन या आईडी वेरिफिकेशन करके आपको करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10-15 दिन वीडियो डाले विदाउट एडवांस फीचर्स के बिना ही, उसके बाद गाइस आप आईडी वेरिफिकेशन कर लीजिए, यानी पैन कार्ड या वोटर कार्ड देकर। ठीक है, तो एक भाई ने यहाँ पर कॉमेंट्स किया कि भाई डेस्कटॉप साइट क्लोज करो एंड ट्राई करो, हो जाएगा, तो अगर वर्क कोई टेक्निकल इशू रहता है तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो कॉमेंट्स करने के लिए थैंक्स ब्रो, क्योंकि ये भी एक हेल्पफुल ट्रिक है। ब्रो मेरे वीडियो वेरिफिकेशन डिनाइड हो रहा है, 3 चैनल पर ऐसा हुआ। देखो भाई, मल्टीपल चैनल अगर आपका है तो आपके मल्टीपल चैनल पे आपका फेस है, तो भाई देखो, शुरू से अगर आप मल्टीपल चैनल खोल देते हो, यानी आप YouTube में अभी तक सक्सेस नहीं हुए, आपके 1000 सब्सक्राइबर है, 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए, आपका मोनेटाइज भी नहीं हुए, आपके कोई भी चैनल पे, आप 3 चैनल में ही अनलिमिटेड दुआदा तरीके से शुरू से वीडियो डालते रहे, तो भाई आप तो आदमी एक हो, आपका फेस एक है, आपका आईडी भी एक है, तो आप 3 चैनल में कैसे वेरीफाई करो? उसके पहले आप एक चैनल सक्सेसफुल कर लो, बाद बाकी 2 चैनल कैसे वेरीफाई करना होगा वो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा।
ठीक है। तो शुरू से तीन चैनल में काम मत करना, अगर तीन चैनल में काम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो पता नहीं, क्योंकि एक चैनल उठाने में लोगों का दो तीन साल ऐसे ही पसीना निकल जाता है, ठीक है ना। मेरा योर वीडियो वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल बता रहा है क्यों, तो भाई वीडियो में मैंने ए टू जेड प्रोसेस बताया, जैसे कि कुछ टाइम पहले बताया, अगर आपके फेस से ही आपके चैनल में वीडियो है तो आप फेस वेरिफिकेशन डालो, अगर आपके विदाउट फेस में आपके चैनल में वीडियो है तो भाई फेस वेरिफिकेशन देके कोई फायदा नहीं है, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। 10-15 दिन वीडियो डालते रहो, उसके बाद गाइस आप आईडी वेरिफिकेशन या फेस वेरिफिकेशन कर लो नए अकॉर्डिंग, ठीक है। भाई मेरा एक चैनल सस्पेंड हो गया है, उसमें 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर था, अब एक और चैनल है जिसमें ये प्रॉब्लम आया है, अगर उसमें फेस वीडियो मैच करूंगा तो शायद वो ये जिससे कमेंट्स किया है दोनों डिलीट हो सकता है क्या। तो भाई 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर फेस वेरिफिकेशन के लिए ये तो हजम नहीं हुआ भाई। अगर पहले जैसा हो सकता है कि आपका विदाउट फेस में आप वीडियो डालते थे, आपके चैनल अच्छा खासा सब्सक्राइबर था, लोग आपके पसंद करते हैं आपके वीडियो को, जब यूट्यूब का न्यू रूल आया कि आपको फेस वेरिफिकेशन करना है तब आप फेस वेरिफिकेशन दिए, लेकिन आपके चैनल में कोई भी फेस नहीं है, तो भाई ये हो सकता है, ये डिलीट जो किया है ये हो भी सकता है, ना होने का कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई सबको एक बात बताता हूँ, कोई भी चैनल खोलते हो ना तो अपना फेस दिखाना ही यार, अगर हर वीडियो में ना सही तो महीने में अगर 30 वीडियो अपलोड करते हो तो भाई 20 वीडियो में तो आपका फेस दिखाना भाई, ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है, अगर थोड़ा सा फेस दिखा तो हर एक वीडियो में थोड़ा सा भी फेस दिखाना भाई ये जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फेस वेरिफिकेशन से आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, अब सही से सब कुछ सारा नियम के अनुसार काम करो तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरे चैनल पे ये मैसेज आया, तो कोई बात नहीं, आपके चैनल पे मैसेज आया, आपकी वीडियो को फुल देखो और सारा कुछ जो है आपके वीडियो वेरिफिकेशन आईडी वेरिफिकेशन देके आपके चैनल को जो है वेरिफिकेशन कर दो। थैंक्स दिया, लव रेक दिया, जो जो लोग सक्सेसफुल हो गया। हेलो भाई, अगर हम किसी और का वीडियो अपने चैनल पे डाल रहे हैं तो मेरे एडवांस फीचर्स होगा अनेबल, गुड क्वेश्चन। तो भाई देखो बिल्कुल नहीं होगा, किसी और का वीडियो डाल रहे हो तो उसका फेस जा रहा है आपके चैनल में तो उसका ही वीडियो वेरिफिकेशन करवा देना तो हो जाएगा। अगर किसी और का वीडियो आपके चैनल में डाल रहे हो तो किसी और बंदे का फेस दिखा रहे हो तो उसका ही फेस लगेगा, अगर नहीं देते हो, अगर आपके फेस देते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा, अनसक्सेसफुल बता देगा, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब उसको पहचानता है ना कि आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, जो फेस से ही चैनल में वीडियो डालेंगे तो उस फेस का ही आईडी या वीडियो वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद भैया इस मैसेज को अगर हम सही नहीं करते हैं यानी वेरीफाई नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना? तो भाई जरूर दिक्कत आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब का नियम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लेवल पे चलाया गया है कि सही यूट्यूबर ही टिक पाएंगे यूट्यूब पे, और उसको चैलेंजिंग की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आपके यूट्यूब में आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, सारा को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और दिक्कत की बात कर रहे हो तो आप अगर वेरीफाई नहीं किए तो दिक्कत तो आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि एडवांस फीचर लॉस्ट हुआ है, लिमिटेड टाइम दिया है, तो प्लीज उसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर वेरीफाई नहीं करते तो इन फ्यूचर तो दिक्कत आएगा, क्योंकि एडवांस फीचर लॉस्ट हो गया, शायद चैनल ही उड़ जाए, हो भी सकता है। आप सारा नियम अच्छे से परख लो, सर्च कर लो, YouTube का सारा नियम चेकआउट कर लो, ठीक है। नाइस कॉन्फिडेंस, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर भी आ गया है ये वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरिफिकेशन कर लो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपका काम बन गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सर मुझे सेम मेल आया पर मेरा डॉग चैनल है, अपना फेस कभी दिखाया ही नहीं कभी, तो अब क्या करूं? तो वही लोग अपने चैनल खोल नहीं पाते तो कोई कोई डॉग का चैनल, तो मजाक को साइड में रखते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं, खोल सकते हैं। लेकिन भाई अगर आप डॉग को लेकर ब्लॉग शूट करते हो या आपके डॉग को लेकर आप चैनल खोल रहे हो तो उसके वीडियो बना रहे हो तो भाई आप उसका ही क्यों फेस दिखा रहे हो? तो भाई ये तो सरकार को मैसेज देना पड़ेगा कि आधार कार्ड बनवा लो डॉग के लिए। बुरा मत मानना यार, आप एक काम करो, आप अपना डॉग का वीडियो बनाओ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, तो आप अपना भी फेस दिखाना, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना भी फेस बनाओ, कंटेंट आपका डॉग का रहेगा लेकिन वीडियो में फेस आपका भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कुछ वीडियो बनाओ उसके बाद आईडी वेरिफिकेशन देके वेरीफाई कर लो, हो जाएगा। थैंक्स ब्रो, थैंक यू। सर मेरे चैनल में वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या ऑप्शन आ रहा है खुल के बोलो, मैं आपका इशू रिजॉल्व कर देता हूं। और सारे लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा कॉमेंट्स है, क्योंकि कॉमेंट्स हर सेकंड पढ़ा नहीं जा सकता, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टा और फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको फॉलो करके मुझको इंस्टेंटली मैसेज कर देना, मैं हर वक्त ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, मैं कुछ ही मिनट बाद बात रिप्लाई देता हूँ और आपको भी रिप्लाई दूंगा, आपका इशू भी वहाँ पर ही रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपने बताया ही नहीं कहाँ से सेटिंग करना है, क्रोम से या वाइट से? तो जाहिर सी बात है सर, मैंने क्रोम से किया, आप अपने पीसी के वेबकैम से कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर से कीजिएगा तो और भी ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्या चैनल बैन होगा ब्रो? तो भाई देखो बैन होगा कि नहीं इसका गारंटी वारंटी तो कोई भी नहीं देगा,
तो जो मैसेज दिया वेरीफाई करने के लिए, अगर आपका सही से सारा वीडियो है तो आप अपना फेस वेरिफिकेशन करवा लो अपने आईडी से, ठीक है भैया। थंबल सुधारो, वीडियो सर्च में आ रहा है, थंबल में जो प्रॉब्लम है वो क्लियर पता नहीं चल रही। तो थैंक यू सो मच ये भूल पकड़ने में, तो बहुत अच्छा लगा। तो कोशिश करूंगा बेटर से बेटर थंबल बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ यही नहीं कि मेरा पॉजिटिव आप लोग देखो, मेरा नेगेटिव भी आप लोग देखो, ताकि मैं अपने अंदर की भूल को या बाहर की भूल को सुधार सकूं। आपके कमेंट्स में ही मेरा सारा कुछ छुपा हुआ है। भैया मेरे एक मूवी चैनल है, उसमें मेरे फेस नहीं है और मेरे 5-6 चैनल डिलीट हो गया, अलग अलग टॉपिक पे था, 2-3 महीने वर्क करने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट, पता नहीं ऐसा क्यों। जब भी मेरा क्राफ्ट की वीडियो भी खुद बने थी, ब्लॉग भी खुद का ही थी। तो भाई देखो, मल्टीपल चैनल के अकॉर्डिंग ना ये नहीं होता, आप सक्सेस हो जाओ आप अपना फेस दिखा के वीडियो, जैसे कि आपने बताया फेस नहीं है, ठीक है, तो आपके वीडियो में अगर फेस नहीं होगा तो यूट्यूब उसको वेरीफाई करने ही नहीं देगा। अगर यूट्यूब सोचेगा कि एक ही बंदे का बहुत सारे वीडियो है या एक ही डिवाइस से आप बहुत सारे वीडियो खोले हो, तो सब कुछ फॉलो करता है, तो लोकेशन भी जैसे, तो एक ही लोकेशन से अगर एक ही डिवाइस से बहुत सारे चैनल है तो ऑटोमेटिकली भाई डिलीट होना ये आम बात है, क्योंकि यूट्यूब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो इसको आप लोगों को ध्यान करना होगा। आप एक ही चैनल खोलो, अपना फेस दिखाओ, अगर मल्टीपल चैनल में आप सक्सेस हो गए उसके बाद ऐसा कुछ आया तो भाई आप यूट्यूब को चैट करो अब मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन आप इतने सारे चैनल खोले, आप अपना फेस नहीं दिखाया लेकिन आप धराधर काम करते गए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस तरीके का बड़ा सा गलती को आप पहले सुधारो। तो ये भाई तो रो रहा है बहुत सारा कमेंट्स की कि मेरा YouTube फीचर्स चला गया। उसने लिखा है YouTube फीचर्स है लॉस्ट एंड टर्मिनेटेड योर चैनल, क्या मेरा चैनल डिलीट हो गया है, कोई तो बताओ, और मेरे किसके वीडियो नहीं डाले और ले खुद बना के डालता हूं। ब्रो मेरे पास कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी नहीं है और वीडियो वेरिफिकेशन मैंने एकदम 100% सही किया था, लेकिन पता नहीं कि ऐसा बोल रहा है, यू हैव लॉस्ट योर यूट्यूब फीचर्स। ब्रो मेरा व्यू आ रहा है, टर्मिनेटेड नहीं हुआ है, ब्रो फिर भी उसमें बोल रहा है टर्मिनेटेड योर चैनल। तो भाई अब बता दो, जैसे कि ये बंदे ने लास्ट कमेंट टॉप कमेंट्स देखे, बहुत सारे कमेंट्स किया जहां पर लिखा है टर्मिनेटेड योर चैनल, तो भाई लोग ये तो मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब आपके चैनल को सही से टर्मिनेटेड किया है कि नहीं। तो भाई लोग अगर ये करता है कि आपका व्यूज आ रहा है, आप वीडियो अपलोड कर पा रहे हो, आपका वीडियो वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, तो भाई आपका चैनल सेफ है। अगर टर्मिनेटेड लिखा है, कहां पर लिखा है, मुझे तो ये टर्मिनेटेड का मतलब क्या है, चैनल ही उड़ जाएगा, वीडियो अपलोड तो दूर की बात आप चैनल को देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो जहां पर आपका चैनल में वीडियो अपलोड हो रहा है आपके टर्मिनेटेड नहीं हुआ है, तो कहां पर दिख रहा है पहले उसको सॉल्व करो। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से डायरेक्टली चैट करो, उन लोगों को अपने प्रॉब्लम बताओ, ऐसा क्यों दिखा रहा है, सारा कुछ सही है, तो वो लोग आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो बहुत ही लंबा हुआ, क्योंकि अगर ऑथेंटिक तरीके से मैं बनाता हूं, आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो ये देखकर आप अपने जो लॉस्ट हुआ एडवांस फीचर्स है इस सारे प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ मदद मिला। अगर वीडियो को थोड़ा बहुत पसंद है तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को झाड़ फाड़ के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि अपने भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले और मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज मेरे भाई लोग, आप अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे देख रहे उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जुड़ी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस में दे रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो कॉन्टेंट लेकर, तब तक अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाबा टेक केयर, सी यू।